हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube के अंदर आप अपने चैनल को कैसे सर्च में ला सकते हैं, चैनल का नाम को कैसे सर्च में ला सकते हैं। क्योंकि जब आप YouTube चैनल बनाते हैं और YouTube चैनल आपका सर्च में नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही चैनल को सर्च करते रहते हैं या किसी को बोलते हैं कि मेरे इस नाम से चैनल है, आप इसको सर्च कर लो YouTube में, लेकिन वो बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या है, और अगर आपका चैनल सर्च में मिलेगा नहीं तो ग्रो कैसे करेगा। तो आइए मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। तो वीडियो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि चैनल का नाम सर्च में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैनल का नाम सर्च में आएगा तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करेगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन अगर आपका चैनल का नाम सर्च में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, किन किन स्टेप पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कोई भी यूनिक नाम रखना है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उस नाम से किसी और का चैनल नहीं हो। वो ये नाम आपका सबसे अलग होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग करते क्या है, बड़ी गलती कर देते हैं कि कोई भी बड़ा नाम का चैनल है, जैसे सपोज कि टेक्निकल गुरु, तो लोग उसके टेक्निकल यस, टेक्निकल ये, टेक्निकल वो नाम अपने चैनल का रख देते हैं उससे संबंधित। अब जब आप सर्च करते हैं, कोई भी आपके चैनल को टेक्निकल नाम से सर्च करेगा तो सबसे पहला नाम टेक्निकल गुरु जी का आ जाएगा, आपका चैनल बहुत ही नीचे रहेगा या दिखेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका नाम बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, नाम बिल्कुल अलग, सबसे अलग, ताकि आपको ये चीज़ का ध्यान रहे। और वो कि जिस नाम से आपका चैनल है उसको अगर टाइप किया जाए तो वो तुरंत ही आ जाएगा। और इंडिया में जो एक चीज़ और देखना है आपको, जब अगर आप नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या बना चुके हैं तो नाम कैसा रखना है, क्योंकि इंडिया में जो नाम आपके चैनल सर्च में जो आता है, सपोज के एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत लोग अनबॉक्सिंग के लिए चैनल बनाते हैं तो उसमें वो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड नाम रखते हैं। अगर अनबॉक्स से कोई सर्च करेगा तो आपका भी चैनल आ सकता है। गैजेट से रिलेटेड नाम होता है कि गैजेट, जैसे बहुत सारे गैजेट्स हैं उसके जो वहाँ पे अपने अपने चैनल पे लोग शो करते हैं, उससे रिलेटेड आप नाम रखेंगे तो भी आपका नाम ऐसा आ जाएगा। परंतु एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी बड़े चैनलों के नाम के साथ अपना नाम बिल्कुल कनेक्ट करके न रखें, उसके आधार पर न रखें। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरा ही चैनल है रवि तिवारी बिहारी या रवि बिहारी ब्लॉग, तो अब रवि तिवारी बिहारी अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा कोई भी चैनल, और रवि बिहारी ब्लॉग ये भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले अपने चैनल का नाम रखा था ट्रैवल विथ रवि तिवारी, लेकिन एक दिन जब मैं सर्च करने लगा, ट्रैवल विथ जितना टाइप किया, ट्रैवल विथ, उसके बाद तो पता नहीं राजेश, महेश, अशोक, सोनी, ये वो दुनिया भर के 100,000 चैनलों के नाम आ गए। तो जब मैं ट्रैवल विथ किसी को बोलता था सर्च करने, ट्रैवल विथ रवि तिवारी, तो रवि तिवारी नहीं आता था, ट्रैवल विथ टाइप करते के साथ ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया, रवि बिहारी ब्लॉग कर दिया। वैसे ही आपको अपने चैनल का नाम बिल्कुल यूनिक रखना है ताकि जब भी सर्च में डाला जाए वो तुरंत आपका चैनल मिल जाए। दूसरा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें तो टैग जब आप लगाते हैं तो टैग में अपने चैनल का नाम ज़रूर दें, क्योंकि जैसे जैसे वो टैग लगता हुआ चैनल सर्च में आता है तो धीरे 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 ऑटोमेटिक है कि आपका चैनल अपने आप ही ऊपर आने लगेगा। और हर जगह जहाँ जहाँ आप जैसे डिस्क्रिप्शन में टैग लगाते हैं, आप जब नाम लिखते हैं वहाँ टैग लगाते हैं, तो हर जगह आपको अपने चैनल का टैग जो नेम है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान दीजिए। और जैसे ही आप लगातार अपने चैनल का टैग वगैरह यूज करेंगे और आपका चैनल का नाम यूनिक होगा तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। 10-20 दिन के अंदर ही आपका चैनल कोई भी अगर टाइप करेगा तो आपको आपका चैनल दिखेगा। और क्योंकि ग्रो करना है, अगर बहुत लोगों तक रीच पहुंचानी है आपको अपने चैनल की, तो आपको अपना नाम सबसे अलग रखना ही पड़ेगा। तो आइए चलिए मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। और आज चैनल को ग्रो कैसे करें, यह सबसे बड़ा पॉइंट था कि चैनल आपका सर्च में कैसे आए, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये शुरुआती कुछ चीज़ें हैं, इसके बाद ही आपका YouTube चैनल बहुत आगे तेज़ी से भागेगा। तो बिल्कुल ही ध्यान रखें, अगर आपने नया YouTube चैनल बनाया है और अगर आपका नाम ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स होंगे YouTube पे, तो आप अपने चैनल्स का नाम बदल लें और कुछ यूनिक सोचें, यूनिक नाम रखें। जय हिंद।
जय भारत।